हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग को दुकान भी खोलना है तो हम लोग जा रहे हैं राशन लाने, क्योंकि सारा राशन ख़त्म हो गया था और कल करवा चौथ था तो मार्केट में तो हम लोग नहीं गए थे। तो चलिए आज चलते हैं, उनको भी देखिए। झोला ले लिया है बड़ा वाला, चलो बैठो जल्दी। हम आ चुके हैं एक राशन के दुकान पे, तो चलिए जाके वहां से हम लोग राशन ले लेते हैं। इसी से भर गया शादी। तो हम लोग यहाँ से सारा राशन तो ले लिए, तो चलिए निकलते हैं। बस ब्रेड नहीं लिए हैं, ब्रेड लेना है। 1600 रुपये का राशन है, देखिए कितना इससे बिक्री होता है। हाँ, कितना कमाते हैं। तो सारा सामान लेके तो आ गए, तो चलिए रूम में चलते हैं। काफ़ी धूप भी किया है, दुकान का सारा सामान खत्म हो गया था, सब लेके आ गए। कितना दिन चलेगा दुकान से तो आ गए सारा सामान लेके, तो चलिए अब दुकान जाने का तैयारी करते हैं हम। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम दूध बॉयल होने के लिए बैठा दिए हैं, आलू को भी चोखा बना दिए हैं, देख सकते हैं। अभी हम मुझे मसाला पीसना है, तो लाइन तो कटा हुआ है, लाइन आएगा तब चटनी और मसाला पीस लेंगे। तब तक चलिए हम बाबू को मालिश करके रेडी कर देते हैं। सारा तैयारी कर दिए हैं दुकान का, देख सकते हैं इसलिए सारा बर्तन रख दिए हैं, बहुत जल्दी जल्दी तैयार किए हैं। बाबू को तो तैयार करके सुला दिए और हम सारा तैयारी कर चुके हैं। और ये देखिए इसमें टमाटो सॉस ले लिए हैं और इसमें राशन है थोड़ा बहुत। हम लोग सारा तैयारी तो कर लिए और बाबू को भी हम ले लिए, तो चलिए अब निकलते हैं दुकान के लिए। और इनको देखिए सब सामान रख रहे हैं, आज कुछ ज़्यादा सामान है, झोला हो गया है। और इनको देखिए कितना सामान लिए, ये देखिए ये झोला भी ले लिया। हम इनको मना कर रहे थे फिर भी लेके जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी सामान है, इधर भी है और आगे में भी इतना है। क्या बोलना चाहेंगे, बैठ जाएगी, अब आदत हो गया है, ट्रैक्टर हो गया है अब। और यहाँ पे मेरी बाबू है, चलो चलना। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अपने दुकान अस्सी घाट पे और देख सकते हैं ये सामान निकाल रहे हैं बाबू। सुख ये देखो पहले सामान लगाइए उसके बाद लगाइएगा। और बाबू सो गई है रास्ते में आते टाइम में, तो अभी ये स्टॉल फिक्स करेंगे यहाँ पे। बाबू सोई है तो हम लोग सोचे सबसे पहले इसको झूला में डाल लेते हैं, आराम से सोई रहेगी तो दोनों मिलकर जल्दी जल्दी हम लोग काम कर लेंगे। ये देखिए झूला सेट कर रहे हैं हम लोग, ना पूरा झूला लगाने वाला नहीं लाए हैं, बस इसको ला दिए हैं कि कम जगह ले गए और आराम से रहेंगे सोई। हो गया, हाँ डालो डालो, नीचे नीचे सुलाइए, अब उसको सुला दिए हैं, ये देखिए और नेट लगा दिए हैं, आराम से सो रही है। तब हम लोग जा रहे हैं दोनों लोग मिलकर जल्दी जल्दी दुकान लगाने, आज दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। आप हम जा रहे हैं पकौड़े बनाने, अच्छा ही बनाइए। अब बढ़िया है, सुला दिए आराम से, सोचो करेगी तो 4 घंटा सो जाएगी ना, भगवान की दया से आप लोग दुआ कीजिएगा तो हम लोग 4 घंटा में एकदम बढ़िया से दुकान चलाएंगे। सोई रहेगी तो बढ़िया, दूध पीने के लिए जगह, दूध पिला के सुला देंगे। उधर देखा ना, किसी को बैठने मत देना ना। हम लोग अपना दुकान लगा दिए हैं, देख सकते हैं। और इनको आज हम बोल रहे हैं चाय बनाना सीखिए और हम पकौड़ा बना रहे हैं, तो ये देखिए चाय बना रहे हैं। बनाना हम जानते नहीं हैं, चाय तो बना लेते हैं लेकिन पकौड़ा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे ये चाय बना रहे हैं और वहाँ पे हम पकौड़ा के लिए कढ़ाई में तेल बैठा दिए हैं, और देख सकते हैं हम बेसन भी खोल लिए हैं। और ये हमारा आलू चना खत्म हो गया था, तो चना तो हम नहीं भी गए थे, तो सिर्फ ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, मिर्ची पकौड़ा आलू चौल। हम अपने पकौड़ा बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम ब्रेड डाले हैं बनने के लिए और ये यहाँ पे चाय बना रहे हैं। और आज चाय पत्ती चाय दूध उबलने से पहले ही डाल दिए। और हमारे कुछ कस्टमर भी आए हैं, ये देखिए बाबू को लिए। कहाँ से आई हैं दीदी? सिर गेट से, काफ़ी कौन सी वीडियो देख रही हैं? हम 1 साल से देख रहे हैं, हम बनारस से वीडियो देख के आई हैं। हाँ आपसे मिल रही हैं, वीडियो वाले हैं, हमारा समस्या कुछ है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी हमारे कस्टमर आए हैं, तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए पकौड़ा बन गया है, तो हम दो बार ब्रेड पकौड़ा निकाले थे, दोनों बार का ख़त्म हो गया, तो देख सकते हैं फिर हम बना रहे हैं। और हमारे कुछ कस्टमर खा रहे हैं, बाकी सबका तो हम वीडियो नहीं लिए लेकिन कुछ खा रहे हैं, तो चलिए पूछते हैं कैसा लग रहा है। भैया बहुत टेस्टी बना, और यहाँ पर हम लोग बाबू को सुला दिया है, बाबू सो रही है और हम दोनों लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया? एक नंबर मस्त, एक नंबर है। तो गाइस मेरा भी चैनल है और दीदी के चैनल को भर के सपोर्ट करना, और मेरा भी चैनल है विक्की विथुल ब्लॉग भाई, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई एक यूट्यूबर बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है यार,
बस समझा करो सिस्टम है भाई। ये देखिए चाय सब कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे कस्टमर आए हैं तो खा रहे। कैसा लग रहा दीदी? बहुत अच्छा है, कब से बना रहे तो अब हम आराम कर रहे हैं और ये देखिए अब ये दुकान संभाल रहे हैं। तीन तीन घंटा तक चलता है तो हाँ। और यहाँ पे बाबू सोई है, देखिए जगी हुई है, नेट लगा दिया, आराम से सेफ है उसमें। अभी आरती हो रहा है, ये पकौड़ा तल रहा है और कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी आए हैं तो देखिए खा रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बाबू आए हैं, कैसा लग रहा है बाबू? क्या दिया? ये देखिए दीदी लोग आई है, कहाँ से आई है दीदी? देवरिया से। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल है। आगे बहुत स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े हैं, बहुत अच्छा लगा है। हम नाम सुन के आए मोबाइल से देखा, अरे ऐसा बात नहीं। दोस्तों आज हम भवरा तो नहीं बनाए, बस ब्रेड पकौड़ा बनाए थे और देख सकते हैं सारा खत्म हो चुका है, बस दो बचा है हुआ है। अब हम लोग दुकान बढ़ा रहे हैं, सोचे ये गैड अंगल के लिए ले चलते हैं, गरम गरम में पैक कर लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। बाबू भी मेरी जग गई है तो इसको गोद में लिए हैं, ये अब दुकान बढ़ाएंगे। अब दुकान बढ़ाइए, हम लोग दुकान तो बढ़ा दिए तो चलिए अब घर के लिए निकलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर लगा दिए हैं और ताला भी बंद कर दिया है। रबड़ वाला फोन लेकर भाग गया, रबड़ फिर खरीदना पड़ेगा, 30 रुपये फिर लगेगा रबड़ में। दोस्तों हम लोग दुकान से तो आ गए, देखिए सामान ले रहे हैं और आते समय हम एक आटा ले लिए हैं, परचून का आटा 5 किलो का पैकेट। कौन सा आटा है? परचून का आटा। ये फॉर्चून को ना परचून परचून बोल रहे हैं। और ये देखिए हम लोग आते टाइम ब्रेड व्रेड भी ले लिए हैं कॉल के लिए। एक आटा 5 किलो का हम लोग, कितना दिन चल रहा है? 1 महीना ना। हाँ। तो दोस्तों चलिए रूम चल के थोड़ा आराम करते हैं, काफी थक गए हैं। तो हम दुकान से आने के बाद थोड़ा देर आराम कर रहे थे लेकिन अब देख सकते हैं हम बाबू का मालिश कर रहे हैं। तो इसको देखिए, इसको देखिए, क्योंकि इसका मालिश भी करना जरूरी है, टाइम से कर देते हैं। और इतना थक गए हैं ना तो मत पूछिए, पूरा थका थका लग रहा, तीत बहुत तेज लग रहा है, तो दूध भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है क्योंकि एक दिन से ना हम दूध नहीं पी रहे थे, कल भी हम नहीं पिए थे, सब बच गया है, आज का भी दूध है, दूध ज़्यादा है तो हम लोग सोचे दूध ही पी लेते हैं और दूध ब्रेड खा लेंगे, दूध पी लेंगे, पी के सो जाएंगे। इतना थके हैं ना, कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा, सुबह में बस एक टाइम खाने इतना ही बनाए थे। दुकान पे तो हम भवरा नहीं बनाए क्योंकि चना भिंगो ही नहीं थे, छाना नहीं था तो नहीं भिंगोए थे, ज़्यादा टाइम हम लोग राशन लिए हैं। और काफ़ी लोग वीडियो देख के आए थे, हम लोग जैसे पहुँचे वैसे ही हम लोग के सब्सक्राइबर आ गए तो अच्छा लगता है। और सब लोग पूछ रहे थे आज भवरा नहीं बनाए हैं, मैंने कि नहीं आज नहीं बनाए, कल से मिलेगा और कल से मेरे दुकान पर भवरा मिलेगा, आज तो बस ब्रेड चॉप था। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सबके पास पहुँचे और वैसे ही हम लोग के दुकान पर सब लोग गए। दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो गुड नाइट। Bye.